हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ चाशनी वाली मावा गुजिया। होली पे अक्सर हम सभी लोग अपने घर में गुजिया बनाते हैं। ये चाशनी वाली मावा गुजिया बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी। ये अंदर से सॉफ्ट होती है और ऊपर से एकदम करारी होती है। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 300 ग्राम मैदा। इसमें मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल मिला रही हूँ, लगभग 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। एक बार अच्छे से मैदा और तेल को मिक्स कर लेंगे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें ऑयल कम रह गया तो फिर गुजिया में सॉफ्टनेस बिल्कुल भी नहीं आएगी, गुजिया बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनेगी। ये देखिए, ऑयल थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच ऑयल और डाल रही हूँ। आटा बहुत अच्छे से बाइंड हो रहा है। आटा लगाने के लिए मैंने 1/2 कप गरम दूध लिया है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, बस हल्का सा गरम है ये दूध। आप चाहें तो गरम पानी भी ले सकते हैं। दूध से हमेशा मुझे गुजिया में रिजल्ट अच्छे मिले, इसलिए मैं हमेशा इसमें गुनगुने दूध का ही इस्तेमाल करती हूँ। थोड़ा थोड़ा इसमें दूध मैं डाल रही हूँ और इसका आटा मैं लगा रही हूँ। डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगानी है, इसकी सेमी स्टिफ हमें डो इसकी तैयार करनी है। ये देखिए, आटा एकदम तैयार हो गया है। अब इसे मैं गीले कपड़े से ढक के थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए रख दूंगी। जब तक आटा रेस्ट हो रहा है तब तक हम गुजिया की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। गुजिया की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने 1/2 कप खोया लिया है। ये मेरा घर का बना हुआ खोया है और ये बहुत ही अच्छे से मैंने भुना हुआ है, इसलिए मैं इसे और नहीं भून रही हूँ। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें मिक्स ड्राई फ्रूट्स चॉप करके डाल दिए हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप पाउडर शुगर। आप चाहें तो इस यहाँ पर बूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर बूरा नहीं है तो आप चीनी को मिक्सी में पाउडर करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून इलायची पाउडर। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और साथ ही बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है। गुजिया की स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। अब जल्दी से चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने लगभग 200 ग्राम चीनी ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ 150 ml पानी। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़े से केसर के धागे मैं इसमें डाल रही हूँ। चाशनी को हमें पकाना है बस उसी स्टेज तक जब तक ये थोड़ी सी चिपचिपी नहीं हो जाती, क्योंकि हमें इसके तार नहीं बनाने हैं। चीनी थोड़ी सी चिपकने लगी है और अब मैं ये गैस ऑफ कर रही हूँ। अब बनाते हैं हम गुजिया। गुजिया बनाने के लिए हम एक बार आटा चेक कर लेते हैं। आटा एकदम सेट हो गया है। इसे अब मैं थोड़ा सा नीट करूंगी यहाँ पर और इसे थोड़ा सा चिकना करूंगी। अब इसको छोटे छोटे पोर्शन में मैं डिवाइड कर दूंगी। इसकी छोटी छोटी लोइयां मैं बना रही हूँ। अब एक लोई मैंने ले ली है और इसको मैं बेल रही हूँ। एक नॉर्मल पूरी के साइज तक हम बेलेंगे। चाशनी वाली गुजिया बनाने के लिए यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है कि गुजिया हमें बिल्कुल भी पतली नहीं बनानी है, ये थोड़ी सी हमें मोटी रखनी है क्योंकि हम इसे चाशनी में डुबोएंगे। अगर गुजिया पतली होगी तो ये ख़राब हो जाएगी चाशनी में, एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, जिसे खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए इसे हमें थोड़ा सा मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला इसे नहीं बेलना है। लगभग 1.5 से 2 चम्मच स्टफिंग में भर रही हूँ। गुजिया के साइज के हिसाब से आप इसमें स्टफिंग भरें। अगर बहुत ज़्यादा भर देंगे तो गुजिया फट सकती है। अब हल्का सा पानी इसके एजेस पे मैंने लगा दिया है और मैंने कर दिया है इसको फोल्ड। और ये देखिए, इस तरह से इसे दबाते हुए मैं इसे सील कर रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है इसे अच्छे से सील करना, नहीं तो गुजिया में से हमारी स्टफिंग बाहर आ जाएगी फ्राई करते समय। बहुत अच्छे से मैंने इसे देखिए प्रेस करते हुए सील कर दिया है। अब हम करेंगे गुजिया को फोल्ड। गुजिया को फोल्ड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये देखिए, इस तरह से मैंने प्रेस करके इसे ट्विस्ट किया और फिर अंदर ट्विस्ट किया।
इसी तरह से हम पूरी गुजिया को अच्छे से फोल्ड करेंगे। और बस ये एक ट्रिक है जिसे फॉलो करना होता है। आप इसको, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं भी है तो भी आप इसे आराम से बना सकते हैं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये देखिए लास्ट का मैंने इस तरह से उसे सील कर दिया है। ये बन गई है हमारी गुजिया, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। मैं एक गुजिया आपको और बना के दिखाती हूँ। ये गुजिया मैंने ले ली है हाथ में और इसमें डाल दी है मैंने स्टफिंग। पानी मैंने इसके एजेस पे लगा दिया है ताकि ये आराम से सील हो जाए। ये मैंने एजेस को फोल्ड करके इस तरह से आपस में सील कर दिया है, चिपका दिया है दबाते हुए इस तरह से। और इसे बस हमें फोल्ड करना है, प्रेस करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, प्रेस करा, अंदर ट्विस्ट करा, फिर से प्रेस किया और ट्विस्ट करा। ये देखिए कितने आराम से ये बन जाती है। इससे बनाने के लिए ज़रा सी भी आपको मुश्किल नहीं आएगी, बस एक ट्रिक आपको ये फॉलो करनी होगी। बन गई हमारी गुजिया। इसी तरह से गुजिया बना के आप रखें और गीले कपड़े से उसे ढक दें। अब गुजिया हमें फ्राई करनी है। फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गैस पे रख दिया था और ऑयल बहुत ही हल्का सा गर्म है। मैं एक एक करके गुजिया इसमें डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ऑयल मेरा बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं है, बस इतने ही गर्म ऑयल में हमें गुजिया को फ्राई करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका तेल ज़रा सा भी ज़्यादा गर्म होगा तो गुजिया डालते ही उसमें बबल्स आ जाएंगे, जो बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं लगेगी। बहुत ही लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है और बहुत ही हल्का गरम तेल होना चाहिए। और बस गुजिया धीरे धीरे इसमें फ्राई होंगी। गुजिया को फ्राई होने में 10 मिनट कम से कम लगेंगे। बीच में आप एक दो बार इसे पलट पलट के सेकिएगा और ये देखिए ब्राउन कलर आने तक हमें सेकना है। थोड़ा सा ब्राउन कलर आना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हें अभी हमें चाशनी में डालना है। ये देखिए गुजिया मैं निकाल रही हूँ, बहुत ही अच्छा कलर आया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी लग रही है गुजिया और इसमें बिल्कुल भी बबल्स नहीं पड़े हैं। ये गरम गरम गुजिया हम उसी समय चाशनी में डाल देंगे। चाशनी अगर ठंडी हो गई है तो आप इसे थोड़ा सा गरम कर लें। मैं इस तरह से देखिए स्पून से घुमा रही हूँ ताकि दोनों तरफ इसमें चाशनी की कोटिंग आ जाए। चाशनी में बनी हुई गुजिया बहुत ही अच्छी लगती हैं देखने में भी और बहुत टेस्टी लगती हैं खाने में भी। और जब आप इन्हें खाते हैं तो ये ऊपर से एकदम करारी होती हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। एक मिनट हो गया है, अब मैं एक एक करके सारी गुजिया बाहर निकाल रही हूँ। एक प्लेट में आप इसे रखें ताकि इसका एक्सेस चाशनी जो है वो निकल जाए, उसके बाद ही आप इसे सर्व करें। ये देखिए हमारी गुजिया एकदम बन गई है, खस्ता करारी हलवाई स्टाइल गुजिया बन के तैयार हुई है। एक बार इस तरह से गुजिया आप भी जरूर बना के देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी गुजिया कैसी बनी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।